अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी शातिर औरत की कहानी है जिसने अपने मन की मुराद भी पा ली और लोगों की नज़रों में पाकबाज भी ठहरी। कहानी शुरू होने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी शादी अजीब व गरीब हालात में हुई थी। ड्यूटी भुगताने के बाद घर आया तो अब्बा सेहरा लिए बैठे थे। मुझसे पूछा तक नहीं कि बेटे रिश्ता मंजूर है या नहीं, हाथ पकड़ा और बोले, शफी तेरी शादी कर रहा हूँ, जल्दी से तू तैयार हो जा। मैं अपने अब्बा से बहुत डरता था, हिम्मत ना पड़ी कि इनकार करता, और फिर इनकार करने की ज़रूरत भी नहीं थी। एक उम्र शादी की आरज़ू में गुजरी थी। बचपन में माँ का इंतकाल हो गया था, अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, मुझे मामू के गांव में भेज दिया। सख्त मिजाज मामू ने नौकरों की तरह घर के कामकाज में जोत दिया। मुमानी थोड़ी सी मेहरबान थी, वो भी इस वास्ते कि उसकी बेटी मुझसे 3 बरस छोटी थी। उसका ख्याल था कि बेटी का बर घर में मौजूद है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर मुझे मालूम था उस लड़की का मुझसे निभाव मुश्किल से होगा। ज़िद्दी और मगरूर औरत मुझसे हमेशा चिड़ी रहती थी, मुझे बार बार ताना देती कि मुझे उसके बाप ने पाला है। वो बिल्कुल अपने खुद सर बाप की तस्वीर थी, कमज़र्फ और गुसेली। अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की, उसका किसी से इश्क चल गया, अपनी माँ के दुश्मनों में किसी गबरू पर उसका दिल आ गया। माँ को इसी बात का ख़तरा था जो होकर रहा। रज़िया उसकी खातिर घर बार छोड़कर फरार हो गई। उस वक्त मैं 17 साल का था। मुमानी ने बेटी का बदला मुझसे लिया, मुझे नामर्द होने का ताना देती थी। कहती थी, अरे तू कैसा मर्द था जो बचपन से उसके साथ रहा, फिर भी तू एक औरत का दिल ना जीत सका। बात माकूल थी, मेरे दिल को लग गई, चुपके से घर छोड़कर अब्बा के पास आ गया। उस वक्त तक मेरी सौतेली माँ का भी इंतकाल हो चुका था। 3 बच्चे थे। अब्बा ने मुझे सीने से लगाकर खूब प्यार किया और कहने लगे, ये मेरी गलती थी कि अपनी जवान औलाद को अब तक अपनी नज़रों से दूर रखा। वो खुद बूढ़े हो चुके थे, घर का सारा बार मुझ पर आ गिरा। मैं खुद भी नहीं चाहता था कि वो इस उम्र में मीलों पैदल चलकर धूप में मजदूरी करें। मेहनत की आदत तो मुझ में बचपन से रच बस गई थी। अपनी कोशिशों से चपड़ासी की मुलाजमत हासिल की और एक तहसीलदार की अनायत से थोड़ी बहुत कमाई भी मिलने लगी। तंगदस्ती से निजात मिली, अपनी दोनों सौतेली बहनों की शादी की, छोटे भाई को मैं पढ़ाना चाहता था पर वो कमबख्त निकम्मा निकला, आवारगी में पड़ गया। डांट डपट की तो भाग गया। अब्बा को उससे बड़ी मोहब्बत थी, उसके गम में बीमार पड़ गए। वो दिन मेरे लिए बड़ी मुसीबतों के थे। बाप की तमादारी करना, खाना पकाना, मुलाजमत करना, ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा था। उन्हीं दिनों अब्बा ने मेरी शादी की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया। सौतेला भाई शरीफ 2 माह बाद जूं ही लौट कर आ गया। अब्बा ने उसे उसके मामू के पास साहिवाल मुलाजमत दिलवा दी, फिर वो वहीं रहने लगा। और अब अब्बा को मेरी शादी की फ़िक्र थी। मैं 30 बरस से ऊपर का हो चला था। मुमानी का ताना दिल में गड़ा हुआ था कि आखिर मैं कैसा मर्द हूँ कि एक औरत का दिल ना जीत सका। कभी कभी सोचता, कहीं मुमानी सच ही ना कह रही हूँ, मुझ में वो मर्दानगी हो ही ना जो औरत को मर्द का दीवाना करती है। इन्हीं बेकार सोचों में सारा वक्त गुजार दिया, किसी औरत को बुरी नज़र से ना देखा। और आखिर एक बार अब्बा ने अचानक ही ये हुक्म दे दिया कि शफी बेटे जल्दी से तैयार हो जा, आज शाम तुम्हारा निकाह है। हाथ पांव खुशी से फूल गए। कभी लगता कि कहीं ये सब कुछ ख्वाब ही ना हो, लेकिन मेरा अब्बा बड़ी संजीदगी से इंतज़ाम करता फिर रहा था। गरीबों का इंतज़ाम ही क्या, 2-4 जोड़े बहनों ने तैयार कर रखे थे। झुमकों की एक जोड़ी अब्बा ने मुझसे छुपकर खरीद रखी थी। मैंने नथ, टीका और चांदी की पाजेब खरीदी। झटपट छुआरे भी आ गए। तब अब्बा ने बताया, मौलवी फिदा हुसैन की बेटी से तेरा निकाह है, बारात लारी से 6 बजे जाएगी। आधे घंटे का सफ़र था। मैंने मौलवी फिदा हुसैन का अब्बा से तस्करा बहुत दफ़ा सुना था, मुझे ये खबर नहीं थी कि वो आदमी कैसा है। अब्बा ने बताया था कि बुरे वक्तों में मौलवी फिदा हुसैन ने बड़ा साथ दिया है। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो औरत मिलने की खुशी थी, बाछे खिल जाती थी। क्या मौला ने छप्पड़ फाड़ कर खजाना दिया है, ना रिश्ता ढूंढना पड़ा, ना लंबी चौड़ी तैयारियां करनी पड़ी।
बैठे बिठाए मेरे अल्लाह ने दूल्हा बना दिया। बड़ी शान से सज धज कर औरत ब्याने घर से निकला। अब्बा ने दो चार दोस्त हमरा लिए। 7 बजे हम लोग कोटा छट्टा पहुंचे। निकाह हुआ, छुआरे बांटे गए, खाना खिलाया। मौलवी जो अब मेरे सुसर थे, उनका इसरार था कि बारात रात को ठहरे, लेकिन अब्बा ने उनकी एक न चलने दी। रात को 10 बजे रुखसती हो गई। लड़की लेकर हम घर आ गए। मैंने दुल्हन देखी और अल्लाह की शान का कायल हो गया। ऊंचा रोशन माथा, उस पर भवों के वो तीर और जगमग जगमग करती रोशन रोशन आंखें, अनाबी तरशे हुए होंठ और रंगत ऐसी कि हाथ लगाते हुए डर लगता था कि कहीं मैली ना हो जाए। मेरे तो ख्वाबों में भी ऐसा बांका हुस्न आया था। देखने में तो वो मिट्टी की हसीन मूरत थी, लेकिन जब उसने पहली ही रात मुझसे नाक चढ़ाकर बात की तो मेरी उमंगें ठिठर गईं कि मेरे अल्लाह, इस औरत को अपनी सूरत का इतना गरूर है, कहीं ये मुझे पैर की जूती ही ना समझ ले। दिल में फैसला किया कि अगर अब दब गया तो इस औरत ने मुझे गुलाम बना लेना है। वैसे भी मैं उन मर्दों में हूँ जो बिला वजह औरत के आगे पीछे नहीं फिरते। ये तो शरई एतबार से मेरी बीवी थी, इसे सारी उम्र मेरे साथ ही तो रहना था। ख्वाम ख्वा दुम हिला हिला कर आगे पीछे फिरते रहने का फ़ायदा ही क्या था। अपनी चीज़ थी बेसब्री कैसी। मैं ज़रा सा खिंच गया, लेकिन ये नुस्खा मेरे हक में अच्छा साबित ना हुआ। वो और अकड़ गई और पहली रात की ये बेरुखी हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में सर्दमहरी ले आई। वो बात करती तो मैं जवाब दे देता, वरना हम दोनों चुप चुप रहते। अब्बा मेरी शादी के बाद साहिवाल चले गए। मेरी दोनों बहनों का ससुराल दूर था, अपने दिल की बात किससे कहता। अब्बा कभी कभार मिलने आ जाते थे। मेरी बीवी उनकी बड़ी खिदमत मदारत करती। वो हज़ारों दुआएं देते फिर चले जाते। मुझे इस बात पर हैरत ज़रूर होती कि कैसी औरत है, अपने शोहर से रूखी फीकी रहती है मगर मेरे रिश्तेदारों से घुल मिल कर बातें करती है। मुझे बड़ी पॉलिसी बाज औरत लगती थी। नौवां महीना शुरू नहीं हुआ था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो गया। मैं चाहता था कि बच्चे की पैदाइश उसके मेके में हो। वो अड़ियल ना मानी, बोली, अब मेरा मेके से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अब तेरी जिम्मेदारी है, अपने होने वाले बच्चे के मसाइल खुद हल कर। मैं खुददार आदमी था, बीवी की इतनी बात बहुत थी। गुस्सा ज़रूर आया कि जो औरत अपने माँ बाप से भी मिलना पसंद नहीं करती, उसका दिल अल्लाह ने किस मिट्टी से बनाया है। उसका बाप अपने नवासे को देखने आया तो बड़े सर्द अंदाज से पेश आई। उसने मुझसे गिला किया कि तू रज़िया को मेके क्यों नहीं भेजता। मेरे जवाब देने से पहले ही बोल उठी, वहाँ मेरे लिए रखा ही क्या है जो जाऊँ। बाप मुंह उठाकर देखता रह गया, जुबान से कुछ ना बोला। अजीब औरत निकली, कमबख्त, ना माँ बाप से खुश और ना मुझसे मोहब्बत, बस खिदमत किए जाती। वक्त गुजरता गया, मेरा बेटा साल भर का हुआ, तब मेरी सास की बीमारी की खबर आई। वो मेरी डांट डपट पर बड़ी मुश्किल से जाने के लिए राज़ी हुई। मैं उसे मेके छोड़ाया। मेरा ख्याल था वो 15 दिन भी मुश्किल से रहेगी। दूसरे हफ्ते उसे लेने पहुंचा तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। कहने लगी, सालों बाद आई हूँ, जब तक माँ ठीक ना हो जाए मैं घर वापस नहीं जाऊँगी। मैं उसकी खुशी की खातिर उसे छोड़कर चला आया। वो पूरे 5 महीने मेके में रही, पहले माँ की बीमारी के बहाने, फिर अपनी तबीयत खराब होने के बहाने। मैं तन्हा रह रहकर उकता गया था। सुसर के हाथ जोड़े कि खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो सुसर जी। खैर, बड़े झगड़ों के बाद वो आने पर राजी हुई। चंद माह रही, फिर मेके जाने की तैयारियां करने लगी। मुझे इस तब्दीली पर खासी हैरत हुई। पहले तो वो कभी मेके जाने पर रजामंद ही नहीं हुई थी, और अब ये हाल था कि माँ बाप की मोहब्बत उमड़ उमड़ कर आने लगी थी। मैंने ये पॉलिसी बना ली थी कि जिस बात पर तू खुश मैं भी राजी। वो जितनी हसीन थी, काश वो उतनी फरमा बरदार भी होती। उसे तो जैसे मेरी परवाह ही नहीं थी। उसकी अपनी मर्जी में जो आता कर गुजरती। मैं सोचता ही रह जाता कि इसे मना कैसे करूं। इसी सोच में 5 साल गुजर गए, मेरे 2 बेटे हो गए, और अचानक ही कुछ ऐसे हालात हुए कि मेरे चचा, जो पहले अब्बा से नाराज़ थे, हमारे घर आने जाने लगे। अब्बा से माफ़ी मांग ली। पहले वो सरगोधा में रहते थे, वहाँ का कारोबार मंदा होने लगा तो डेरा गाजी खान आ गए। उनकी एक बेटी सुगरा कोई 13-14 बरस की थी। एक रोज़ चचा ने मेरी बीवी के सामने कह दिया कि सुगरा की माँ की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी का ब्याह शफी से होता। मेरी बीवी हंसने लगी और बोली, तो क्या हुआ चाचा, अभी भी क्या गया है, शफी से कहकर दूसरा ब्याह करा दे। चचा घबरा सा गया,
कहने लगा, नहीं बेटी, ये तो शफी के ब्याह से बहुत पहले की बात है। मैंने तो ऐसे ही तुझसे मजाक में कह दी, अब इसका घर सलामत रहे, ऐसी बात तूने सोची भी कैसे। रजिया मुझसे बोली, क्यों शफी, दूसरा ब्याह करेगा? मुझे गुस्सा आ गया, उसे झाड़ पे लाकर बाहर चला आया कि कैसी कमीनी औरत है, ना वक्त देखे ना रिश्ता। उस जरा सी बच्ची के सामने बकवास करने बैठ गई। उसके बाद मेरी चचा की बेटी सुगरा का मुझे देखने का अंदाज ही बदल गया। जब आती मुझसे नजरें चुराए चुराए फिरती, बात करते हुए झिझकती और मेरी बीवी उसे छेड़ने से बाज ना आती। अरे ये कोई अच्छी बात तो थी नहीं। मैंने तन्हाई में रजिया को बथेरा समझाया, अरे नेक बख्त, सुगरा की उम्र कम है, उसके दिल में गलत सलत बात बैठ गई तो उस बेचारी की जिंदगी खराब हो जाएगी। रजिया खिलखिलाकर हंस पड़ी, मुझसे कहती, तो कौन सी आफत आ जाएगी, कर लेना ब्याह उससे, तेरे चाचे के सर से एक बोझ उतर जाएगा। पहले तो ये बात वो हंसी हंसी में कहती थी, रफ्ता रफ्ता संजीदा होने लगी। एक रोज बोली, शफी मैं तो सुगरा से मजाक किया करती थी, पर वो तो अब सचमुच तुझ पर मरने लगी है। कल रो रही थी, मेरे पांव पकड़कर बोली, आपा मुझे इस घर में तू रख लेना। मैं रजिया की बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। फिर वो कहने लगी, शफी मैंने ही मजाक किया था और अब मुझे ही भुगतना पड़ेगा, तू दूसरा ब्याह कर ले वरना उसका खून मेरे सर हो जाएगा। मैं बोला, अरे कमबख्त औरत, तू औरत है या जानवर, तुझे इस बात का ख्याल नहीं कि दूसरा ब्याह करके मैं तुझसे बदल जाऊंगा। तो वो कहने लगी, सब अपनी अपनी किस्मत का सुख दुख पाते हैं, मेरी किस्मत में अगर दुख लिखा है तो चाहे तू दूसरा ब्याह करे ना करे, मुझे किसी न किसी बहाने दुख मिल ही जाएगा। लेकिन शफी मुझसे सुगरा के आंसू नहीं देखे जाते। कसम खा रही थी कि अगर शफी से मेरा ब्याह ना हुआ तो जहर फांक लूंगी, अगर वो मर गई तो फिर बता ना शफी, कयामत के दिन उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। जब मैं खुशी से तुझे इजाजत दे रही हूं तो फिर तुझे क्या एतराज है। अब बताइए, दुनिया का वो कौन सा मर्द होगा जो ये सुनकर दीवाना ना हो जाए कि एक औरत उसकी खातिर जान देने पर तुल गई है, और उसकी अपनी पहली बीवी कहे कि जा तुझे इजाजत है तू उससे शादी कर ले। बहरहाल अब जो होना था हो चुका था, सुगरा बीमार पड़ गई। मेरे चचा ने डरते डरते मुझसे बात की कि अगर सुगरा का कहीं ठिकाना हो जाए तो उसके सर से बोझ उतरेगा। चाचा का मैं इशारा समझ गया। रजिया ने ढील ही इतनी दे रखी थी कि उसे कुछ कहने का हौसला ना हुआ। मेरे चचा ने अब्बा को खत लिख दिया कि शफी को दूसरे ब्याह की इजाज़त दे तो ये मेरी बेटी का ठिकाना हो जाएगा। अब्बा आए, उस वक्त रजिया अपने मेके गई हुई थी। अब्बा ने मुझसे बात की, कहने लगे, दूसरी बीवी तू रख सकता है तो कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर तू अपनी बीवी रजिया से इजाज़त ज़रूर ले। मैंने अब्बा को बताया कि अब्बा रजिया तो राजी है, वो तो खुद मुझे कहती है कि तू सुगरा से दूसरी शादी कर ले। तो फिर ठीक है बेटा, तेरा चचा लड़की के नाम पर दो मुरब्बा ज़मीन भी कर रहा है, तेरा गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। अब्बा इजाज़त देकर चला गया। रजिया आई, मैंने उससे बात की, वो तो बहुत खुश हुई, कहने लगी, अरे सुगरा को तो मैं सोत नहीं अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। शफी तूने मेरी बात रख ली और मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगी। लो जी, दो महीने में रजिया ने चुपके चुपके गहने भी तैयार कर दिए, कपड़े भी बनवा दिए। चचा के सामने वो चुप चुप सी रहती, चचा भी उससे शर्मिंदा सा नजर आता था, लेकिन मेरे सामने वो खूब चहकती कि सुगरा को इस कमरे में रखेंगे, निकाह के दिन ये कपड़े पहनाऊंगी, इस तरह अपने हाथों से सजाऊंगी। मैं तो बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे ऐसी अच्छी बीवी दी जो खुद अपने हाथों दूसरी औरत ला रही है, अपनी सौतन ला रही है। अगर रजिया मुझे ज़रा सी भी मोहब्बत देती तो मैं कभी दूसरे ब्याह पर रजामंद ना होता। सोचता था कि एक लड़की जो शादी से पहले मेरे नाम पर मर मिटी है, बीवी बन गई तो मुझे जन्नत का मज़ा चखा देगी, इसी वास्ते मैं दूसरे ब्याह पर राज़ी हो गया था। शादी की तैयारी धूमधाम से तो करनी नहीं थी, चुपके चुपके बरादरी वालों से छुपकर सारी तैयारियां मुकम्मल की। रजिया का कहना था कि उसके मेके वालों को खबर ना होने पाए वरना वो सब लाठियां लेकर आ जाएंगे। मैंने थोड़ा सा कर्ज लेकर सारा सामान खरीदा, नया कमरा ठीक ठाक कराया कि दोनों सोतने आराम से रहें। निकाह का दिन मुकर्रर हुआ। पहले तय था कि बारात में रजिया भी साथ जाएगी, ऐन वक्त पर वो इनकार कर गई। कहने लगी, मैं घर ठीक ठाक करके रखूंगी, तू चला जा और अपनी बीवी ले आ। मैं डेरा चला गया।
निकाह के दूसरे ही रोज सुगरा को लेकर मैं घर आया तो सारा मोहल्ला दरवाजे पर इकट्ठा था। अंदर औरतें भरी हुई थी। मैं डर गया कि अल्लाह जाने क्या मामला है। लोगों ने हमें देखा तो मुंह फेर फेर कर चल दिए। अंदर गया तो नक्शा ही अजीब था। रजिया ने बाल खोल रखे थे, गिरेबान चाक किए जमीन पर बैठी बैन कर रही थी कि हाय लोगों, मैं लुट गई, मेरा शोहर दूसरा निकाह करने गया और मुझे मार पीट कर घर में बंद कर गया, मेरा सारा जेवर छीन कर ले गया, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। उसके बैन सुन सुन कर औरतें रोने लगीं। मर्द मुझे गालियां दे रहे थे और मैं जो वाकई सुगरा को ब्याह कर लाया था मुजरिम बनकर रह गया। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि इस मक्कार औरत ने मुझे मजबूर करके दूसरा ब्याह कराया और अब इसे क्या हो गया है, ये मुझे किस तरीके से जलील कर रही है। मैं आगे बढ़ा, मुझे सामने देखकर वो और चिल्लाने लगी, हाय लोगो मुझे बचाओ, ये मुझे जान से मार देगा, हाय मुझे बचाओ, मैं मर गई, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। औरतें मुझसे लिपट गईं, किसी ने बाल पकड़े, किसी ने बाजू खींचा, मुझे कमरे में धकेल दिया। सुगरा थर थर कांप रही थी, बेचारी अकेली सहन में खड़ी रो रही थी और सभी उस पर थूक कर चल दिए। रजिया भी अपनी किसी सहेली के साथ चलती कि ये आदमी मुझे बाद में पीटेगा। बच्चे दोनों छोड़ गई कि अपने पिल्ले संभाल, मैं अब वापस नहीं आऊँगी, तेरी नई जोरू पालेगी इन्हें। और फिर हुआ भी यही, वो कमीनी कमबख्त वापस नहीं आई, अपने मेके भी नहीं गई। अब मैं आपको क्या बताऊँ वो कहाँ गई, वो अपने आशिक के पास चली गई। जी हाँ, आशिक, जिस पर वो बचपन से जान छिड़कती थी। ये हालात मुझे बाद में मालूम हुए कि जान मोहम्मद उसके बाप के रिश्तेदारों में से था, दोनों के बचपन से ताल्लुकात थे। एक दिन रजिया की माँ को पता चला कि उसको तो हमल ठहर गया है। माँ ने कोशिश करके उसकी खुलासी करा दी और फौरन शादी तय कर दी और मुझ बेवकूफ़ आदमी को फंसा दिया। मैंने कभी उसके बारे में पूछगछ भी नहीं की, ना मैं इस टाइप का आदमी था जो इन चक्रों में पड़ता, और मेरी इसी सादगी से उसने फ़ायदा उठाया, मुझे खूब उल्लू बनाती रही। मेके जाने से इसलिए कतराती रही कि जान मोहम्मद वहाँ से चला गया था, उसे मौलवी साहब ने मार पीट कर निकाल दिया था। फिर जब रजिया इसरार करने पर अपनी माँ की इतमादारी के लिए गई थी, तब वहाँ रजिया की जान मोहम्मद से दोबारा मुलाकात हुई और इस तरह रजिया का मेके आना जाना शुरू हो गया। मुझसे पीछा छुड़ाने की उसने जो तरकीब सोची वो भी खूब थी। पहले मजाक मजाक में सुगरा को मेरे करीब कर दिया, उधर मेरा जहन हमवार करती रही कि दूसरा ब्याह कर लूं। जब मैं राजी हो गया तो अपने हाथ से सारा सामान तैयार करवाया। लोगों को खबर इस वास्ते नहीं होने दी कि कहीं उसकी अपनी असलियत ना खुल जाए और उसका ड्रामा नाकाम ना हो जाए। मैं शादी करने गया तब उसने ववेला मचाकर लोगों की हमदर्दी अपनी तरफ कर ली और इस स्कीम में पूरी तरह कामयाब रही। लोग अब भी मुझे गालियां देते हैं और उसने जो कदम उठाया उसको अच्छा कहते हैं कि ऐसे मर्द को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। अरे कमबख्त औरत ने चाल ही ऐसी चली थी कि मैं लाख सफाई भी बयान करूं मेरी कौन सुनेगा। वो खूबसूरत थी, लोगों के सामने मेरी खिदमत भी खूब करती थी, अपने मेके भी शुरू में बहुत कम जाती थी, मेरे रिश्तेदारों की खिदमतें करती थी, यहाँ के लोग उसे बड़ी नेक खिदमत गुजार औरत समझते थे। लेकिन असलियत उसकी क्या थी ये तो या उसके घर वाले जानते हैं या मैं जानता हूँ। मेरे सुसर ने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि ये हमारी गलती थी, रजिया को हमल ठहर गया था, बदनामी से बचने के लिए हमने उसका निकाह तेरे साथ कर दिया। अब मुझे पता चला कि मेरा पहला बच्चा मेरा नहीं था, दूसरे का भी मुझे कोई भरोसा नहीं। मौलवी साहब कहने लगे कि मुझे रजिया का निकाह जान मोहम्मद से ही कर देना चाहिए था, खाम ख्वाह तुझे अजाब में मुब्तला कर दिया, खैर अब जो हुआ उसकी माफ़ी देकर तू रजिया को तलाक दे दे। सुगरा ने भी मुझे मजबूर किया कि वो वापस तो आएगी नहीं, इसलिए तलाक ही दे दो तो बेहतर है ताकि वो अपना दूसरा घर ही बसा ले। जी तो नहीं चाहता था कि उस मक्कार संगदिल औरत को माफ़ करूं, मगर सुगरा ने समझा बुझाकर तलाक दिलवा दी। बच्चे उसने लिए नहीं, कहलवा दिया कि सुगरा से कह मैंने उसकी मोहब्बत की लाज निभाई है, शफी से उसकी शादी कराई है, तो इसके बदले मेरे बच्चों का ख्याल रखे। ये मालूम होने के बावजूद कि बच्चा मेरा नहीं था, मैं फिर भी उसे अपना ही बच्चा समझता हूँ। वो अपने जिस आशिक के पास गई उसने भी बच्चे रखने से इनकार कर दिया था।
लिहाजा सुगरा नेक औरत थी, उसने बच्चों को प्यार से रखा। फिर वहां रजिया ने जान मोहम्मद से निकाह पढ़वा लिया। कभी ख्याल आता है तो अक्ल हैरान होने लगती है कि कैसी चालबाज औरत थी, अपने मन की मुराद भी पाली और जमाने के तानों से भी बच गई। खैर, जहां रहे खुश रहे, अब मुझे उससे क्या लेना देना। सुगरा ने मुझे भी बे इंतहा मोहब्बत दी, वो मेरी खिदमत गुजार और फरमा बरदार बीवी है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं शरीफ आदमी था, अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने उस गलीज औरत से मेरी खुद ही जान छुड़वा दी।